दोस्तों, आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारी मानसिकता का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि हम खुद की वैल्यू भी समझने के लिए असमर्थ होते जा रहे हैं और हम अपनी कीमत भी दूसरों के द्वारा किए गए मूल्यांकन से ही तय करते हैं। और आप भी अगर अपने जीवन की वैल्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेथ ऑफ साइकोलॉजी में। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने बच्चे को दुकान पर से सामान लेने के लिए भेजा। दुकान पर पहुंचते ही लड़के ने दुकान पर रंग बिरंगे पैकेट देखे और दुकानदार से उनका रेट पूछने लगा। दुकानदार ने रेट बताते हुए बोला, ये 2 रुपए का है, ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का और ये 50 रुपए का। ये सब सुनकर वो पापा का बताए हुए सामान लेकर घर पहुँचा और जिज्ञासा बस पिता से पूछने लगा, पिताजी यहाँ पर हर वस्तु की कीमत निर्धारित है लेकिन मेरे जीवन की कीमत क्या है। पिता उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, अगर तुम सच में अपने जीवन की कीमत जानना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ वो करो। बेटा झट से तैयार हो गया और पिता ने बेटे को एक पत्थर दिया जो कि दिखने में एक साधारण पत्थर था और बोला, बेटा इस पत्थर को लेकर मार्केट जाओ और इस पत्थर को हाथ में लेकर कहीं बैठ जाना। कोई भी अगर तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत बोलना, बस अपने हाथ की 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अपने पिता की बात सुनकर बेटा बाजार चला गया और उस पत्थर को हाथ में लेकर बैठ गया। उसे बैठे हुए बस कुछ ही देर हुई थी तभी एक बूढ़ी सी औरत आई और पूछने लगी, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है। बेटा कुछ भी नहीं बोला, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा 200 रुपए, मैं इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा कि इस मामूली से पत्थर के कोई 200 रुपए भी दे सकता है। लेकिन उसने वो पत्थर बेचा नहीं और वो घर चला गया और घर जाकर उसने ये सारी बातें अपने पिता को बताई और फिर उसके पिता ने बोला, आप तुम एक काम करना, कल तुम म्यूजियम जाना, वहाँ भी अगर कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह बस 2 उंगलियां कर देना। अगले दिन वो लड़का म्यूजियम चला गया और म्यूजियम में एक आदमी ने उसके हाथ में वो पत्थर देखकर उसकी कीमत पूछ ली। लड़का कुछ भी नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां फिर खड़ी कर दी। वो आदमी बोला, अच्छा 20,000 रुपए, मैं इस पत्थर के तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बेटा ये पत्थर तुम मुझे दे दो। लड़का उस आदमी की ये बात सुनकर फिर हैरान हो गया और सोच में पड़ गया, कल तक जिस पत्थर की कीमत मुझे 200 रुपये मिल रही थी आज वही पत्थर 20,000 रुपये का बिक रहा है। उसने पत्थर बेचने के लिए मना कर दिया और घर आ गया और घर आकर अपने पिताजी को म्यूजियम की सारी बातें बताई। बेटे की ये बात सुनकर पिता ने बोला, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजता हूँ, कल तुम इस पत्थर को लेकर किसी कीमती रत्नों या आभूषणों की दुकान पर जाओ और वहाँ भी अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछता है तो पहले की तरह बस 2 उंगलियां दिखा देना। अगले दिन वो लड़का कीमती रत्नों की दुकान पर पहुँचा और दुकानदार उसके हाथ में वो पत्थर देखकर तुरंत उसके पास आ गया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, इस पत्थर की तलाश में तो मैंने जीवन के पता नहीं कितने साल निकाल दिए, इसे तो मैं सालों से तलाश कर रहा हूँ, अब ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ कितनी कीमत लोगे। दुकानदार की ये बात सुनकर लड़के ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। दुकानदार बोला, अच्छा 2 लाख रुपए, मैं अभी तुमको 2 लाख रुपए देकर ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ। 2 लाख रुपए सुनकर लड़के को तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये कीमत तो उसने कभी पहले सुनी ही नहीं थी, उसके सोच से भी बाहर थी, फिर भी उसने वो पत्थर नहीं बेचा और घर चला गया और घर जाकर अपने पापा से बोला, पापा मेरे तो समझ के बाहर है, इस साधारण से पत्थर के आदमी मुझे 2 लाख रुपए तक देने को तैयार है। पापा कोई इसको 200 रुपए में खरीदने को तैयार है, कोई इसके 20,000 रुपए दे रहा है और कोई इसके 2 लाख रुपए तक देने को तैयार है, आखिर इस पत्थर की क्या कीमत है। पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए बोला कि बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत पूछी थी ना, अब तुम उस पत्थर की जगह अपने आप को रखकर देखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का। जब पहली बार तुम्हें ये पत्थर लेकर मैंने बोला था कि तुम मार्केट में जाओ, तब वहाँ पर उन लोगों की साइकोलॉजी के अनुसार इस पत्थर की कीमत 200 रुपये थी और जब आखिरी बार मैंने तुम्हें इस पत्थर को रत्नों और आभूषणों की दुकान पर लेकर भेजा तब इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपये हो गई। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन का मूल्यांकन कर उसकी एक कीमत निर्धारित करते हैं, वही आपकी कीमत होती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन का मूल्य 200 रुपये बनाना है या 2 लाख रुपये या उससे भी कहीं और ज़्यादा। आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें, आप भी एक बहुत मूल्यवान व्यक्ति हैं। ईश्वर ने इस धरती पर सबको अलग अलग तरह से मूल्यवान बनाया है। अपने गुणों और प्रतिभा का मूल्यांकन कर अपने आप को पहचानें और अपनी कीमत तय करें। दूसरों के द्वारा कही हुई बातों से आप अपने जीवन का मूल्यांकन ना करें। आपके प्रति जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, वही आपकी कीमत तय करती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।